लोकाविरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताक्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय श्री राम। अब धर्मेंद्र जी आप प्रारंभ करिए पाठ को। जी जय सियाराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही भृषुकेत। भरद्वाज सुनु अपर पुनी, राम जन्म करु हेत सियावर राम। जय जय राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित की कई कई देशु, सत्य के तु तह बसई नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन राज। राजधनी भानु असताही, अपर सुतही हरि मर्दन नामा। भुज बल अतुल अचल संग्रामा, भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल पर जित प्रीति, जेठे सुतही राज नृप दीना। हरिहित आपु गवन बन कीना, जब प्रताप रवि भयउ नृप। फिरी दुहाई देश प्रजापाल, अति भेद विधि कतहु नहीं अगुलेश। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलवीरा, आपु प्रताप पुंज रन धीरा। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर साना, अरुबा जय गह गए निशाना। विजय हेतु कट कटी बनाई, सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लई लई दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस भेष करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समयु नरेश। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई। सब दुख बर जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृप हितु हेतु सिखव नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कई सेवा। भूप धर्म जे भेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बद भेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाक। बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग। हृदयन कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी,
वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साज समाजा बिंध्या चल गभीर बन गयउ मृग पुनीत बहु मारत भयउ फिरत बिपिन नृप दीख बराहु जनु बन दुरेउ ससिहि ग्रसिराहु बड़ बिदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलित नाही कोल कराल दसन छबि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुर घुरात है आरउ पाए चकित बिलोकत कान उठाए नील महीदर शिखर सम देख विशाल बराउ चपरि चले उहय सुटुक नृप आकिन होय निबाउ आवत देखि अधिक रव बाजी चले बराह मरुत गति भाजी तुरत कीन नृप सर संधाना मही मिल गय बिलो बाना तर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाई मृगु भागा ऋष स्पस भूप चले संग लागा गय दूरी घन गहन बराहु जहनाइन गज बाजि निबाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपि न मृग मग तजई नरेसु कुल बिलो की भूप बड़ धीरा भागी बैठ गिर गुहा गभीरा अगम देख नृप अति पछताई फिरेउ महाबन परेउ भुलाई खेद खिन्न छुद्धित त्रुसुत राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर जल बिन भयउ अचेत फिरत बिपिने आश्रम एक देखा तह बस नृपति कपट मुनि बेशा जासु देश नृपुलीन छड़ाई समर सेन तज गय पराई समय प्रताप भानु कर जानी आपन अति असमय अनुमानी गयउ न गृह मन बहुत गलानी मिलान राजहि नृप अभिमानी त्रिस उर मारि रंक जिमि राजा बिपिन बसई तापस के साजा तास समीप गवन नृप कीना यह प्रताप रबि तिहि तब चीना राउ त्रुसित नहि सो पहिचाना देखि सुबेशु महामुनि जाना उतरि तुरग ते कीन प्रणामा परम चतुर न कहेउ निज नामा भूपति त्रुसित बिलोकित ही सरबरु दीन दिखाय मज्जन पान समेत है कीन नृपति हर साय सिया बर राम जय जय राम गई श्रम तापस लई गयउ आसन दीन अस्त रवि जानी पुनि तापस बोले मृदु बानी को तुम कस बन फिरहु अकेले सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लाग अति मोरे नाम प्रताप भानु अवनीसा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा फिरत अहेरे परेउ भुलाई बड़े भाग देखेउ पद आई हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हौ कछु भल हो नियारा कह मुनि तात भयउ अंधियारा जो जन सत्तर नगर तुम्हारा निशा घोर गंभीर बन पंतन सुनहु सुजान बसउ आज अस जान तुम जायहु होत बिहान तुलसी जसि भव तव्यता तैसी मिलहि सहाय आपुन आवहि ताहि पही ताही तहां ले जाय सिया बर राम जय जय राम भले नाथ आय सुधरि सीसा बांध तुरग तरु बैठ महीसा नृप बहु भांति प्रसंसे उताही चरण बंदि निज भाग्य सराही उनि बोले मृदु विरा सुहाई
जान पिता प्रभु करौं ढिठाई। मोही सुन मुनि से सुत मोहि मुनि से सुत सेवक जानी, नात नाम निज कहउ बखानी। तहि न जान न पुनरपहि सुजाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चहइ निज काजा। समझि राज सुख दुखित अराती, आवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले उजगुति समेत। नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। कह नृप जे भी ज्ञान निधाना, तुम सारी के गलित अभिमाना। सदा रहें अपना पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहें संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवहि संदेहा। जोसि सोसि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिय अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कई देखी, आप विषय विश्वास विशेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सति भाव कहूं महिपाला, इहां बसत बीते बहु काला। अब लगे मोहिन मिले को, मैंने जनावाऊ का। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। तुलसी देखी सुबेश, भूल ही मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के की पेकु बचन, सुधा सम आसन अही। ताते गुपुत रहू जग माई, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहउ कवन सिद्ध लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोही, दारुण दोष घटई अति मोही। जिमि जिमि ताप सुकत ही उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज विश्वासा। देखा सो बस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोले उपुनि सिरुनाई। कहउ नाम कर अरथ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जबही, तब उत्पति भई मोर। नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोर। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहै सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करै निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीप तापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कह तापस नृप जानहु तोही, कीनेउ कपट लागे भल मोही। सुन महीसि असिनी, जह तह नाम न कहै नृप। मोहि तोही पर अति प्रिय, सोई चतुरता बिचारि तब। नाम तुमार प्रताप दिनेसा, सत्य के तु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहिय न आपन जानिय काजा। देखिताव तव सहज सुधाय तोरे। कहूं कथा निज पूछे तोरे, अब प्रसन्न मैं संशय नाही। मागुज भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हर्षाना। गहि पद विनय की विधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे। चारि पदारथ कर तल मोरे।
प्रसन्न बिलो एक छत्र रिपुहि न महि राज कल्प सत हो कहता पस नृपु ऐसे हो कारण एक कठिन सुन सो कालौ तू पद नाई सीसा एक विप्र कुल छाड़ी महीसा तप बल विप्र सदा परियारा तिनके कोपन को रखवारा जो विप्रन बस करौ नरेसा तो तू बस विधि विष्णु महेसा चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहूं दो भुजा उठाई विप्र शाप बिनु सुन महिपाला तोर नास नहीं कवने उकाला अरसे उराव बचन सुनितासु नाथ न होई मोर अब नासु तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मोकहु सर्व काल कल्याणा एव मस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोर मिलब हमार भुलाव निज कहउ त हमहिं न खोर ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा कहें कथा तब परम अकाजा छठे श्रवण यह परत कहानी नास तुमार सत्य मम बानी यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा नास तोर सुनु भानु प्रतापा आन उपाय निधन तब नाही जो हरि हर को पहि मन माही सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा द्विज गुर कोप कहौ को राखा राखै गुर जो कौप विधाता गुर विरोध नहीं को जग त्राता जौन चलब हम कहे तुम्हारे हो नास नहीं सोच हमारे ये कहीं डर डर पत मन मोरा प्रभु महि देव श्राप पूरा ओई विप्र बस कवनि कहौ कृपा करि सो तुम तज दीन दयाल निज इतू न देखौ को सुन नृप विविध जतन जग माही कष्ट साध्य पुनि होई कि नाही अहै एक अति सुगम उपाय तहां परंतु एक कठिनाई मम आधीन जुगति नृप सोई मोर जाब तब नगर न होई आजु लगे अरु जब ते भय हूं का ग्राम न जोने जाओ बना बड़े स्नेह लगुन पर करही गिरिनिज सिरनि सदा तृण धरही जलदि अगाध मोलि बह फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु अस कही गए नरेश पद स्वामी हो कृपाल मोइ लागि दुख सही प्रभु सज्जन दीन दयाल जानि पही आपन आधीना बोला तापस कपट प्रबीना सत्य कहूं भूपति सुन दोही जगनाहिन दुर्लभ कछु मोही अवश्य काज मैं करिहूं तोरा मन तन बचन भगत तई मोरा जोग जुगत तप मंत्र प्रभाऊ फलई तबही जब करिय दुराऊ जो नरेश मैं करूं रसोई तुम पर सहु मोही जान न कोई अन्न सो जोई जोई भोजन करई सोई सोई तब आयसु अन सरई उन तिन के गृह गे जे वही जो तब बस होई भूप सुन सो जाई उपाय रचौ नृपुहेहु संबत भरि संकल्प करेहु नित नूतन द्विज सहस सत परेहु सहित परिवार मैं तुमरे संकल्प लगी दिनहि कर विजय विनार सियावर राम जय जय राम एहि विधि भूप कष्ट अति थोरे होई हई सकल विप्र बस तोरे करि हई विप्र होम मख सेवा तेहि प्रसंग सहजे बस देवा और एक तोई कहूं लखाऊ मैं एहि बेसन आऊ बेकाऊ तुमरे उपरोहित कहूं राया हरियाणब मैं करि निज माया तप बल तेहि करि आप समाना रखियऊं इहां बरस परवाना मैं धरितासु बेशु सुन राजा सब विधि तोर सवार अब काजा गैन से बहुत सयन अब कीजे मोहि तोई भूप भेंट दिन तीजे मैं तप बल तोहि सुरग समेता पहुंचे हूं सोई
सोवत हि निकेता। मैं आउद सोई बेशुधरी पहिचानहु तब मोय। जब ये कांत बुलाय सब कथा सुनामहु तोय। शयन कीन नृपुआय सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई सो किम सोव सोच अधिकाई। काल के तु निसिचर तह आवा जैसु कर हो इंद्र पहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा जानई सो अति कपट घनेरा। तेहि के सत सुत अरु दस भाई खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप समर सब मारे विप्र संत सुर देखि दुखारे। तेहि चल तेहि खल पाछिल बयरु संभारा तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा। जहीं रि पूछय सोई रचनी उपाऊ भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेजसी अकेले अपि लघु करि गनियन ताऊ। अजहु देत दुख रबि ससिही सिर अवशेष तुराऊ। तापस नृप निज सखहि निहारी हरषि मिलेउ उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। अब साधेहु रिपु सुनहु नरेसा जो तुम की न मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहउ तुम सोई बिनु औषध बियादि बिधि कोई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचा इस छन माज निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई अय गृह बांधे सिबाजी बनाई। राजा के उपरोहित ही हरि लय गय बहोर। लई राखे सि गिरि खोह महु माया करि अति भोर। सियावर राम जय जय राम। आप बिरचि उपरोहित रूपा परे उजाहिते सेज अनूपा। जागे नृप अन भई बिहाना देखि भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनमानी उठे उ गवहि जहि जानन रानी। कानन गयउ बाज चढ़िते ही पुर नर नारिन जाने उके ही। गये जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। जुग समन्द्र पही गए दिन तीनी कपटी मुनिपद रह मत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा नृपहि मते सब कहि समझावा। नृप हर्ष पहिचान गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुम्ब समेत। उपरोहित जिव नार बनाई छरस चारि विधि जस श्रुति गाई। माया में तेहि कीनी रसोई बिंजन बहुगनि सकई न कोई। विविध मृगन कर आमिष रांधा तेहि महु विप्र मासु खल सांधा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए पद पखारि सादर बैठाए। परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि काला। विप्र ब्रंद उठी उठी गृह जाऊ हानि अन्न जन खाऊ। पयउ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप बिकल मति मोह भुलानी बावी बसन आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकी न विचार। जाई निसाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम। छत्र बंधु तें विप्र बुलाई घालई लिए सहित समुदाई। ईश्वर राखा धर्म हमारा जय हसि तें समेत परिवारा। संबत मध्य नाश तब हो जलदाता न रहे कुल को। नृप सुनि श्राप बिकल अति त्रासा भई बहोरी बर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारि न दीना नहीं अपराध भूप कछु कीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी
भूप कयउ जह भोजन खानी, तहन असन नहीं बिप्र सुहारा, फिर उराउ मन सोच अपारा, सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनी अकुलाई, भूपति भावी मिटई नहीं, जदपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, बिप्र साप अति घोर, अस कहि सब महि देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दय वही देहि, बिरचत हंस काग किय जेहि, उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाई, तेहि खल जह तह पात्र पठाए, सज सज से न धूप भूप सब धाए, घेरे नि नगर निरा निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई, जूझे सकल सुभट कर करनी, बंद समेत परे नृप धरनी, सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र शाप किमि होई असाचा, रिपुजित सब नृप नगर बसाई, निज पुर गव ने जय जसु पाई, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरी मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल सम दाम, सियाबर राम जय जय राम, काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निसाचर सहित समाजा, दस सिर ताहि बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा, भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बल धामा, सचिव सो सचिव जो रहा धरम रुचि जासु, भयउ बिमात्र बंधु लगुतासु, नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना, रहे जे सुत सेवक नृप केरे, भये निसाचर घोर घनेरे, काम रूप फल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर बिगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी, उपजे जदपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तदपि महेश्वर श्राप बस भये सकल अघरूप, सियावर राम जय जय राम, कीन विविध तपति निहु भाई, परम उग्र नहि बरन सुजाई, गयउ निकट तप देखि विधाता, मागउ बर प्रसन्न मैं ताता, कर बिनती पद गहि दस सीसा, बोले उ बचन सुनहु जगदीसा, हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, एव मस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलते ही बर दीना, उनि प्रभु कुंभ पकरन पहि गयउ, तेहि बिलो कि मन विस्मय भयउ, जो एहि खल नित्य करब आहारु, हुई सब उजारि संसारु, सारद प्रेरि तासु मति फेरी, मागे सि नीद मास शटकेरी, गए विभीषण पास पुनि कहे पुत्र बरुमाग, तेहि मागे उ भगवंत पद कमल अमल अनुराग, सियाबर राम जय जय राम, तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए, मै तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, सोई मय दीन रावण ही आनी, होई जातु धान पति जानी, हर्षित भयउ नारी भलि पाई, कुनि दो बंधु बियाय सिजाई, गिरि त्रिकूट एक सिंधु मजारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी, सोई मय दानव बहुरि संवारा, कनक रचित मनि भवन अपारा, भोगावती जसि अहि कुल बासा, अमरावती जसि शक्र निवासा, तिन ते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम तेहि लंका, खाई सिंधु गभीर अति चारिहु दिसि फिरिया, कनक कोटि मनि खचित दृढ़ बरन न जाई बनाओ, हरि प्रेरित जहि कलप जोई, जातु धान पति होय, सूर प्रतापी अतुल बल, तल समेत बस सोई, सियाबर राम जय जय राम, रहे तहां निसचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे,
अब तह रहें सक्र क्रे पेरे रक्षक कोटि जच्छ पति केरे दसमुख कतहु खबर सिपाही सेन साज गढ़ घेर सिजाई देख बिकट भट बड़ी कटकाई जच्छ जीव लई गए पराई फिर सब नगर दसानन देखा गयउ सोच सुख भयउ बिसेखा सुंदर सहज अगम अनुनमानी कीनी तहां रावण रजधानी जही जस जोग बाँट गृह दीने सुखी सकल रजनी चर कीने एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीति लई आवा कौतुक ही कैलास पुनी लीन सिजाई उठाय मनहु तौलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाय सुख संपत्ति सुत सेन सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई नित नूतन सब बाढ़त जाई जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई अति बल कुंभ करन अस भ्राता जेहि कहूं नहीं प्रतिभट जग जाता करई पान सो वई षट मासा जागत होई तिहूं पुर त्रासा जो दिन प्रति आहार कर सोई विश्व बेगी सब चौपट होई समर धीर नहीं जाई बखाना तेहि सम अमित बीर बलवाना बारिद नाद जेठ सुत तासु भट महु प्रथम लीक जग जासु जिहि न होई रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावन घोई कुमुख अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय काम रूप जानहि सब माया सपने हु जिनके परम धर्मन दाया दस मुख बैठ सभा एक बारा देखी अमित आपन परिवारा सुत समूह जन परिजन नाती गनई को पार निसाचर जाती सेन बिलो की सहज अभिमानी बोला बचन क्रोध मदसानी सुनहु सकल रजनी चर जूठा अमरे बैरी बिबुद बरूठा ते सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई देखी सबल रिपु जाहि पराई तिन कर मरन एक विधि होई कहउ बुझाई सुनउ अब सोई द्विज भोजन मख होम सराधा सब कई जाई करउ तुम बाधा छुदा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली हई जाय तब मारी हऊँ कि छाड़ी हऊँ भली भांति अपनाय मेघ नाथ कहूँ पुनि हक रावा दीनी सिख बलु बयरु बढ़ावा जे सुर समर धीर बलवाना जिनके लरिबे कर अभिमाना तिनही जीति रन आने सुबांधी उठ सुत पितु अनुशासन कांधी एहि विधि सब ही अज्ञा दीनी आपुन चलेउ गदा कर लीनी चलत दसानन डोलति अवनी गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी रावण आवत सुनेहु सकोहा देवन तके मेरु गिर खोहा दिगपालन के लोक सुहाए सुने सकल दसानन पाए पुनि पुनि सिंह नाद करि भारी देई देवतन गारी पचारी रन मद मत फिराई जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा रबि शशि पवन बरुन धन धारी अग्नि काल जम सब अधिकारी किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा अठि सब ही के पंथ ही लागा ब्रह्म सृष्टि जह लगि तनु धारी दस मुख बस बरती नर नारी आयस करहि सकल भय बीता नवहि आई नित चरण बिनीता बुज बल विश्व बस्य करी राखिसि कौन सुतंत्र मंडली के मनि रावण राज करई निज मंत्र देव जच्छ गंधर्व जर नर किन्नर नाग कुमार जीति जीति बरी निज बाहु बरल बहु सुंदर बर नार सियावर राम जय जय राम इंद्र जीत सन जो कछु कहेऊ सो सब जन पहिलहि करि रहेऊ प्रथमहि जिन कहूँ आयस दीना तिन कर चरित सुनहु जो कीना देखत भीम रूप सब पापी निश्चर निकर देव परितापी करहि उपद्रव असुर निकाया
नाना रूप धरई करि माया, जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि भेद प्रतिकूला, जेहि जेहि दस धे जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावहि, शुभ आचरण कतौ नहीं कोई, देव विप्र गुरु मानन कोई, नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हु सुनियन वेद पुराना, जप जोग बिरागा तप मख भागा, श्रवण सुनहि दस सीसा, आपुन उठि धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा, अस भ्रष्ट अचारा बा संसारा, धर्म सुनिय नहीं काना, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना, बरन न जाई अनीत घोर निसाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति, बाडे खल बहु चोर जुहारा, जे लंपट पर धन पर दारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरज आचरण भवानी, ते जाने हुनि सिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कई ग्लानी, परम सभीत धरा अकुलानी, गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोई, जस मोहि करु एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता, देन रूप धरि हृदय बिचारी, गई तहां जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, गे बिरंची के लोका संग गोतनु धारी, भूमि बिचारी परम विकल भय सोका, ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी तई दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाई, धरन धरई मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुन विपति, बैठे सुर सब करहिं बिचारा, कह पाइय प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि पस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तही रीति, तही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, देश काल दिस विधि सहु माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही, अग जग में सब रहित बिरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट ही जिमि आगी, मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बह नीर, अस्तुति करत जोर कर सावधान मति धीर, जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करउ अनुग्रह सोई, जय जय अविनाशी सब घट बासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जिहि लागि बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि ब्रंदा, निसिपासर ध्यावहीं गुण गन गावहीं, जयत सच्चिदानंदा, जिहि सृष्टि उपाई त्रिविद बनाई, संग सहायन दूजा, सो करउ अघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा, सारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना, जही दीन प्यारे वेद पुकारे,
द्रवौ सो श्री भगवान भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जान सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने गगन गिरा गंभीर भई हरन शोक संदे। जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा तुमहि लागि धरियउ नर बेसा। अंसन सहित मनुज अवतारा लेहउ दिन कर पंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहु मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौसल्या रूपा कौसलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरिहु जाई रघुकुल तिलक सोचारी उबाई। नारद बचन सत्य सब करिहउ परम शक्ति समेत अवतरिहउ। हरिहउ सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा अभय भई भरोस जिए आवा। निज लोक ही बिरंचि गे देवन इहई सिखाय। बानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवहु जाय। सियावर राम जय जय राम। गए देव सब निज निज धामा भूमि सहित मन कहूं विश्रामा। जो कछु आय सु ब्रह्मा दीना हर्षे देव बिलंबन कीना। बनचर देह धरी छिति माही अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीरा हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जह तह भरि पूरी रहे निज निज अनीक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवध पुरी रघुकुल मनि राऊ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद गमल विनीत। सियावर राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भई गलानि मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयउ तुरत मही पाला चरण लाग करि बिनय बिसाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायउ कहि विशिष्ट बहु विधि समझायउ। धरउ धीर होई हई सुत चारी त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो बचिष्ट कछु हृदय बिचारा सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। ये हबि पाटि देहु नृप जाहि जथा जोग जहि भाग बनाई। तब अदृश्य भय पावक सकल समय समुझाय। परमानंद मगन नृप हरसन हृदय समाय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई कौसल्यादि तहा चल आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना उभय भाग आधे कर कीना। कई कई कृह नृप सो दयऊ रयो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कई कई हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एही विधि गर्भ सहित सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर में सब राज ही रानी शोभा शील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयउ जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयउ। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नौमी तिथि मधुमास पुनीता सकुल पक्षी अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि मद बहबाउ हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरिगन मन यारा स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। सो अवसर बिरंचि जब जाना चले सकल सुर साज बिमाना। गगन बिमल संकुल सुर जूठा गावहि गुण गंधर्व बरूथा।
बरसाई सुमन सुअंजलि साजी, गह गई गगन धुंद भी बाजी। अस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। सूर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। सियावर राम जय जय राम। भय कृप प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना, तीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे। मम उर्सो बासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली, सो मति डोली, तजहु तात यह रूपा। कीजे शिशु लीला, अति प्रिय सीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि, हरिपद पावहि, तेन परहि पव भव कूपा। विप्रधेनु सुर संतहित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बहुत अच्छा पाठ किया, बहुत 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 बढ़िया धर्मेंद्र जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय श्री राम, बहुत सुंदर। जय श्री राम, प्रभु का प्राप्त किया, बहुत सुंदर पाठ किया सर, बहुत ही प्रभावशाली था, बहुत सुंदर, और प्रसंग भी बहुत बढ़िया था, सुनने में बहुत बढ़िया। बहुत अब जो अब मैं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी से प्रार्थना करूंगा, वो अब उसका आराम बताएं और डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी। सबको आज के इस मंच से हमारी राम राम, हमारा प्रणाम। और मास परायण के पांचवे पाठ का धर्मेंद्र भाई ने इतनी सुंदरता से इतना सरस्वत पाठ किया, जो अंतिम उन्होंने छंद पढ़ रहे थे उनको तो छंद चौपाई ऐसा लग रहा है कि उसका दोबारा पाठ किया जाए। बहुत सुंदर बधाई। और आज का जो हम लोग का ये प्रसंग है, बहुत कुछ मामलों में दोहा संख्या 152 से 192 तक कई अर्थों में बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। और क्यों अद्भुत है? इसमें बहुत ही अद्भुत संयोग ये है कि एक ही पाठ के 40 दोहों में भगवान राम का अपने अंशों के साथ अवतार, और दूसरे प्रमुख पात्र रावण, दो प्रमुख पात्र हैं, दोनों के राम के अवतार और रावण के जन्म की कथा एक साथ यहाँ पर वर्णित है। तो ये मानस की एक बहुत बड़ी विशेषता कि कैसे उन्होंने दो महान अवतार और जन्म दोनों को एक ही पाठ में समेटा है मानस तुलसीदास। अगर इस पूरे पाठ को हम समझना चाहें, घटना प्रधान है, सभी लोगों ने मानस को पढ़ा हुआ है, ये एक घटना प्रधान है, घटना एक के बाद एक घट रही है। घटना प्रधान वाक्य होते हुए भी इसको हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण को अगर हम समझना चाहें तो इसको हम तीन हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला जो बिल्कुल कहते हैं 152 जहां से हमारा पाठ आज का शुरू हुआ था कि यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं ऋषिकेश
भरद्वाज सुनी अपर पुनि राम जने करसी। और यहाँ इतनी सी एक चौपाई में उन्होंने पिछले पूरे जो प्रसंग है मनु शत्रुपा के कई हजार वर्षों की बाद की तपस्या के बाद भगवान उन्हें अपने उनको वरदान में अपने समान ही नहीं स्वयं ही पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान देते हैं। और ये कथा के साथ ऐसा होता है कि कथा को शिवजी ने पार्वती जी को सुनाया है। तो ये एक पाठ हमारा पहले ही दोहे के साथ समाप्त हो जाता है मनु शत्रुपा का जन्म का प्रसंग इस दोहे में। तो इसमें कितनी सुंदरता से समावेश किया है कि मनु शत्रुपा के जन्म के विषय को ले लिया है। अब प्रश्न हमारे पास उठता है कि भगवान क्यों जन्म लेंगे, भाई क्या कारण क्या है मनु शत्रुपा के भगवान जन्म क्यों लेंगे। तब इस कथा का जो विस्तार है वो हमारे यहाँ दूसरे भाग में होता है। और दूसरे भाग की जो कथा है वो रावण के पूर्व जन्म की कथा है। उसमें रावण है जो अपने पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम से कैकेयी देश के राजा सत्यकेतु के पुत्र है। पिता के वानप्रस्थ होने के बाद पिता के समान ही वीर अपने अनुज आर्यमर्दन और योग बुद्धिमान मंत्री धर्म रुचि के साथ अश्वमेध यज्ञ के साथ अपने राज्य का विस्तार करते हुए वे चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। तो रावण के पूर्व जन्म की कथा बहुत प्रभावशाली है। अश्वमेध यज्ञ के साथ उन्होंने उनके प्रजा वहां प्रसन्न थी, धरती फलवती थी, वेद पुराण श्रुतियों का वहां जितने यज्ञ हो सकते थे वर्णित हमारे उन सबका सुंदर पाठ वहां पर हुआ करता था। बहुत ही धार्मिक भूमि कहाई वो। अब एक दुर्योग फिर आता है। इस कथा में घटनाएं बहुत तेजी से बदल रही हैं। तो कहां प्रताप भानु का इतना उत्कृष्ट चरित्र है और कहां दुर्योग होता है कि शिकार पर निकले प्रताप भानु को कंदराव जंगल में छुपते छुपाते हुए एक सुअर अपने भागते हुए उन्हें इस धरे से भ्रमित करता है कि वे उसका पीछा करते हुए अपने सब साथियों से छूटकर कहीं से कहीं भटकते चले गए। वो सुअर भी कोई और नहीं दुष्ट आतताई काल केतु राक्षस था। तो हम इस कथा का प्रसंग जानना जरूरी है कि इसमें घटनाएं कैसे परिवर्तित हो रही हैं। तो जब वो भटकाकर वो कहां ले जाता है, वो उनको काल केतु उन्हें भटकाकर उस स्थान पर ले आता है जहां पर उनका दूसरा बैरी राजाओं से युद्ध में प्रताप भानु से पराजित होकर अहंकार क्षोभ और ग्लानि से युद्ध छोड़कर जंगल में भाग गया और कपट मुनि का वेश धारण कर जीवन काट रहा था। तो प्रताप भानु के दो शत्रु वहां एकत्र हो जाते हैं। ये सब संयोग कहें या दुर्योग कहें हम उनको, राजा उनमें से किसी को नहीं पहचान सकते, लेकिन उस कपट मुनि ने राजा को पहचान लिया और उसका नाम पहचान पिता का नाम राज्य विस्तार और सब बता करके वो भटके हताश प्रताप भानु को पूरी तरह से अपने कपट जाल में फांस लिया। बगला भगत मुनि अपने को बड़ा निर्लोभी निष्काम एक तनु जिसने अपने तप बल से बस एक ही बार शरीर को धारण किया है बताते हुए अपने वाक जाल से उसे घेरता चला गया। प्रताप भानु को वो यहाँ तक कि जरा मृत्यु दुख से मुक्ति अजय होने की समस्त इच्छाओं की पूर्ति का आश्वासन देते हुए और फिर धीरे से एक जाल फेंकता है कि आपके संग और कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ब्राह्मणों को संतुष्ट करना पड़ेगा और उस ब्राह्मणों के अलावा आपका कोई अहित नहीं कर सकता। तो आप लाखों ब्राह्मणों को हर दिन खाना खिलाएं और उनका आशीर्वाद लें तो आपको कोई भी नुकसान इस धरती पे नहीं पहुंचा पाएगा। प्रताप भानु पूरी तरह से उसके कपट जाल में फंस चुके हैं और आडंबर करके पुरोहित फिर उनसे धीरे से कहता है, आडंबर करते हुए वो उनके पुरोहित के रूप में धारण करके रसोई बनाकर
उनको उपकृत करने का स्वांग भी रच लेता है और बड़े से उनसे कहता है कि आपका मैं पुरोहित भी मैं बन जाऊंगा, आपका रसोईया भी बन जाऊंगा और उपकृत करने का स्वांग करता है और अनर्थ का भय दिखाकर इस बात को किसी को ना बताने और सारी बातों को गुप्त रखने का आदेश भी दे देता है। अब काल केतु पूरी योजना में इस कपटी मुनि के साथ है। ये मैं कथा का ये विस्तार बता रहे हैं कि घटनाक्रम इस पूरे प्रसंग में किस तरह से राम को कहां पहुंचाते हैं और रावण को कहां पहुंचाते हैं। अब उस पूरी योजना के अनुसार कालकेतु सोते हुए राजा को उनके घोड़े के साथ उनके महल तक पहुंचाता है, वहां से उनके सोते हुए पुरोहित को उठाकर यहाँ गुफा में लाकर बंद कर देता है, फिर स्वयं राजा का पुरोहित बनकर वहां पर पूरी रसोई का एक माया रचता है। और जब लाखों ब्राह्मण वहां खाने के लिए आ जाते हैं तो एक झूठी आकाशवाणी भी करा देता है। वो आकाशवाणी होकर सबको डराती है कि ब्राह्मणों को डराता है कि आप लोग इस मांस खाने को मत खाइएगा और इस खाने में ब्राह्मणों का मांस मिला है, ब्राह्मणों को खाने से रोक देता है। क्रोधित ब्राह्मण कुछ भी नहीं सोचते समझते और वे प्रताप भानु के सकुटुंब राक्षस योनि में जन्म लेने और निर्वंशी होने का शाप दे देते। अब यहाँ प्रताप भानु के संस्कार के कहां से कहां पतन हो रहा है और प्रताप भानु हतप्रभ में हैरान है और सारे ब्राह्मण हैरान है क्रोधित है। तब तक फिर एक दूसरी आकाशवाणी होती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये राक्षसी माया है। सही में वहां पे ना कोई रसोई थी ना वहां पर कोई पुरोहित था। राजा सब लोग कहते हैं राजा को क्षमादान कर देंगे, बहुत पुण्य राजा, लेकिन ब्राह्मण कहते हैं अब इस शाप का कोई प्रतिकार नहीं हो सकता है और जो जैसा वो चाहते होता है। इधर दोनों कालकेतु और वो कपट मुनि सारे बैरी राजा जितने थे सबको इकट्ठा करते हैं, उन पे चढ़ाई करते हैं और जैसा कि शाप था प्रताप भानु अपने कुटुंब सहित नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद अब आती है प्रताप भानु के रावण के रूप में जन्म लेने की कथा। तो उसमें कालांतर में यही प्रताप भानु थे जो पुलस्त मुनि कुल में विश्रवा और कैकशी के पुत्र रावण, जो भाई अरिमर्दन उसने कुंभकर्ण के रूप में, और धर्मरुचि जो उनके मंत्री थे उन्होंने विभीषण के रूप में जन्म लिया। और तीनों ने घोर इस जन्म में तीनों ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, तीनों ने घोर तपस्या की और ब्रह्मा के वरदान भी प्राप्त किए। अब वरदान कैसे मांगे अब आप देखिए, फिर यहाँ पर काफी भूमिका तैयार हो रही है भगवान राम के जन्म लेने की। तो रावण क्या मांगता है वरदान, कि मुझे वानर और मनुष्य के अलावा कोई भी ना मार सके। तो कुंभकर्ण के लिए ब्रह्मा भी भयभीत है कि इसका तो जन्म हुआ है ये तो सारी सृष्टि को खा जाएगा अगर ये रोज जीवेगा। तो वो सरस्वती को धीरे से इस बात के लिए राजी करते हैं कि वो कुंभकर्ण की वाणी पे बैठती है और कुंभकर्ण क्या वरदान मांगते हैं, मुझे 6 महीने की निद्रा दे दो। ब्रह्मा ने कहा इस सृष्टि को बचाने का और कोई तरीका नहीं है, कुंभकर्ण 6 महीने सोएगा तो आधे लोग बच जाएंगे। तीसरा भाई तो विभीषण है, वो निष्काम अनन्य भक्ति मांगते हैं, उन्हें वो मिल जाती है। और बस यहाँ से कथा बढ़ती है। मैं दानव ने बनाई त्रिकूट पर्वत पर स्थित सोने की लंका में अपने सौतेले भाई कुबेर को निकालकर उसका पुष्पक विमान रावण छीन लेता है। मैं दानव की पुत्री मंदोदरी से रावण का विवाह हो जाता है और सर्वशक्तिमान से संपन्न रावण अलकापुरी से लेकर पाताल लोकी भोगावती तक अत्याचार और आतंक का पर्याय बन जाता है। सूर्य चंद्र वरुण वायु कुबेर कल काल अग्नि यक्ष गंधर्व किन्नर नाग देव सभी उसके अधीन थे। राक्षस सेनाओं को वो बराबर इस बात के लिए उकसाता था, आदेश देता था कि देवताओं को वो अपना शत्रु माने
ब्राह्मणों को मारने, उनका मांस खाने, उनके रक्त से यज्ञ नष्ट करके और पृथ्वी पर आतंक फैलाने के काम में खुद भी पूरी तरह सक्रिय रहता है। और इस तरह के जो हालात बनते चले जाते हैं। अब तीसरा भाग आता है, तो ये पहले मनु शत्रुपा का हुआ, दूसरा रावण के पूरे जन्म की कथा, और तीसरे में भगवान राम के जन्म की कथा होती है। कि तीसरा भाग हरि स्मरण से होता है, जब राम के अवतार की भूमिका तैयार होती है। त्रस्त पृथ्वी गौ रूप का, पृथ्वी है वो गौ का रूप धारण करके भयभीत छिपे देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा शिवजी से अत्याचारों से मुक्ति की गुहार लगाती है। शिवजी कहते हैं कि तुम्हें हरि और विष्णु की शरण में जाना पड़ेगा। रावण से भयभीत छिपे हुए कहते हैं, हम इतने खुद छिपे बैठे, हम विष्णु को ढूंढने कहाँ जाएं? वो कहते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, देश काल दिशी विद से ही माई, काहे उसे कहाँ, जहाँ प्रभु नहीं, अरे क्या डर है, भगवान तुम जहाँ प्रार्थना करोगे वहां आ जाएंगे। और सब भगवान हरि विष्णु की आराधना करते हैं। आकाशवाणी से हरि विष्णु उनको धीरज बंधाकर सूर्य वंश में अकेले नहीं, अंशों के साथ मनुष्य के रूप में अवतार लेने का वचन देते हैं। अदिति कश्यप एवं अवधपुरी में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जन्म लेंगे। ब्रह्मा ने सभी देवताओं से वानरों के शरीर में पृथ्वी पर सर्वत्र फैलकर पृथ्वी, पर्वतों और नखों को अपना अस्त्र बनाकर हरि के आने की प्रतीक्षा करने और उनकी सेवा के लिए तैयार करने का संकेत देकर वापस कर दिया। इस तरह से ये कथा में इतने तीन बड़े हिस्से एक साथ सम्मिलित हो रहे हैं, फिर संयोग बन रहे हैं। पुत्रहीन राजा दशरथ वशिष्ठ मुनि के कहने पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ से पायस के आधे भाग को कौशल्या को, शेष आधे से आधे भाग को कैकेयी को, शेष आधे को कौशल्या और कैकेयी से हाथ लगवाकर सुमित्रा को देते हैं। समय आने पर मधुमास में नवमी की तिथि, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में वेद और पुराण, जिन्हें माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित मानते थे, भगवान कौशल्या के पुत्र के रूप में राम जन्म लेते हैं। अंतिम जो हमारे चार छंद हैं, जिसका बहुत सस्वर पाठ भी किया धर्मेंद्र जी भाई ने, उसमें सिर्फ स्तुति गान है। देव गंधर्व ब्रह्मा सब धरती पर उतर आए हैं और ये छंद आज भी हमारे घरों में राम जन्म और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाए जाते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण तो पार। और यहाँ भगवान राम जन्म के साथ ये पाठ आज का समाप्त होता है। अब इसमें बात होती है कि आध्यात्मिक सार के इस प्रसंग से, इस पूरी कथा शिव जी अपन ने पार्वती जी को सुनाई है, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या सीखने की बात है और हमारे सामने कितने प्रश्न, एक आम आस्थावान व्यक्ति के हिसाब से हमारे मन में पहला प्रश्न आता है कि प्रताप भानु जैसे इतना सुयोग, इतना आस्थावान राजा, उसके साथ ये सब क्यों हुआ, उसे क्यों राक्षस जन्म लिया, पहला प्रश्न उठता है। दूसरा प्रश्न उठता होता है कि जब उसको राक्षसों के तौर पे जन्म लेना था तो उसको पुलस्त्य गुरु और विश्वा और इतना ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों मिला, इतना तपस्वी वो कैसे हुआ, अगर इतना तपस्वी हुआ, इतना राक्षस योनि में जन्म भी मिला तो वो रावण के तौर पे कैसे बन गया, इतना विनाशकारी विध्वंसकारी क्यों हुआ। ऐसे कई प्रश्न हमारे अंदर आते हैं और हमको इसमें सीखने को यही मिलता है कि प्रताप भानु के सद्भावना के उपयोग में लाई शक्ति से अगर प्रजा का कल्याण होता है तो वही शक्ति रावण के पास पहुंचकर प्रजा का नहीं अपने विनाश का भी कारण बनती। दूसरी बात होती है कि क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष और बैर भाव किसी का भी भला नहीं करते। तीसरी बात जो हमेशा हमारा मानी जाती है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं दुष्ट शक्तियों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं।
अब एक बहुत छोटी सी बात है, सबके मन में ना हो लेकिन हमारे मन में ये बहुत मंथन होता है कि संस्कार और कर्म के फल को हम यहाँ कैसे समझें। जो हमने पहले भी कहा कि प्रताप भानु का जन्म और पुनर्जन्म और पूरी कथाओं में हम लोग संस्कार को और कर्म, संस्कार उसके बहुत अच्छे थे, कर्म भी अच्छे थे, लेकिन जन्म बुरा मिला। तो इस तरह के जब हमारे सामने प्रश्न आते हैं कि पूर्व जन्म के संस्कारों के शाप के बावजूद प्रताप भानु को तपस्वी ब्राह्मण का जन्म मिलता है, लेकिन वो कर्मों से रावण क्यों बनता है? तो अब तुलसी बाबा के माने जो उन्होंने हमारी यहाँ की दोहा संख्या 159 में बहुत अच्छी बात कही कि तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिले सुहाय, आपनो आवे ताही पही ताही तहा ले जाए। भैया इस वाली चौपाई में कि जिसका जो भाग होता है उसको वहां पहुंचा देता है, तो ईश्वर की शरण में ही हमारे सारे उत्तर हैं। ये कहकर हम अपना पाठ का ये सार समाप्त करते हैं और भगवान राम के आज के जन्म उत्सव को फिर मनाते हैं। जय श्री, आप सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। बहुत घटना प्रधान थी कहानी, बताना जरूरी था क्योंकि ये कहानियाँ प्रसंग बहुत समय से आपने समाप्त कर दिया, बहुत सब कुछ बता दिया सर। उसका प्रबंधन तो हम लोग ने बहुत सीख लिया है। दीदी उनको मैं कहता हूँ अब ले जाता हूँ जी के पास। दीदी बहुत अच्छा समझाया, बहुत धन्यवाद आपका। बस आप लोग सबने, इतने लोग जुड़ते हैं, सबकी आस्थाएं हमारे विषय को ये बहुत बड़ी विशेषता है। क्लियर हो गए सर, टाइम पे चीज पूरी कर दी जाए, बहुत बड़ी विशेषता है। दीदी आपने बताया तो बहुत सारे जो संशय थे वो क्लियर हो गए। ये तो हम भी मानते हैं कि हम लोगों को भी बहुत से संशय हमेशा ही बने रहते हैं। जब हम इस मंथन मंच पे जुड़ते हैं तो वो हमारी सारी जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी उलझने हैं, वो यहाँ समाधान मिल जाते हैं। और धर्मेंद्र भाई का पाठ बहुत अच्छा हमेशा होता है, ये तो बहुत अच्छा था। इट वाज सो वंडरफुल मैम, थैंक यू। मधु जी आपको, धर्मेंद्र जी को, दोनों लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान के जन्म का वर्णन करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एकदम सही कह रहे हैं। आपके पुण्य का फल है कि आप दोनों को मौका मिला। सही बात में आपसे बात आज साझा कर रहे हैं कि आज हमारी कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि हमारे पास हमारे मेहमान आ रहे थे, हमें लग रहा था कि हम आज ना पाए, लेकिन इस पाठ को पढ़ने के बाद हमको लगा कि नहीं, अगर हम अपनी कोई भी तिथि परिवर्तित करेंगे तो हम ये पाठ का नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके लोभ ने हमको आज रोक दिया कि नहीं, हम आज इस पाठ को में बहुत ही अच्छा, ठीक है, अच्छा किया। देते हैं आप, समय हो गया है, मेरा एक निवेदन है सर। ओम जी है उपस्थित। ओके ओम जी, रिक्वेस्ट। प्रणाम, कहाँ है ओम भाई? प्रणाम आपको। मैंने जी कही है, जय श्री राम। ओम भाई प्रणाम। धर्मेंद्र जी भय प्रकट कृपाल है, एक बार फिर से गा दें। एक बहुत ही, धर्मेंद्र जी की आवाज बहुत ही प्यारी है पाठ में। ओम जी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन मसाला शोभा करारी कर जोरी अस्तुति तोरी कई विधि करूं अनंता माया गुण ज्ञाना दीन माना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर
जही गा वही श्रुति कंसंता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री कंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिबेद कहई मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहई कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहई माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे सिसुलूला कीजे सिसुलीला अति प्रिय सीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कूपा प्रदेन सुरु संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार श्यावर राम जय जय राम जय प्रभु राम जय जय राम श्यावर राम चंद्र भगवान बहुत सुंदर भाई और बहनों धर्मेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई नहीं आपका स्वर मधुर है आपने उच्चारण में कोई कहीं गलती नहीं की मैं तो प्रोफेसर ढूंढता रहता हूँ कहाँ किसकी कहाँ गलती हो नंबर काट लो और नंबर काटने का कोई अवकाश नहीं दिया आपने तो ब्यूटीफुल सी ये पाठ करना अपना में बड़ा आनंद है पर सही उच्चारण से पाठ करना है मैं आनंद की बहुत वृद्धि होती है तो मेरा सब से निवेदन है कि सही उच्चारण से पाठ करने का प्रयास करें तो यू वुड एंजॉय इट लॉट मोर और मधु जी एज यूजुअल आपने अत्यंत सुंदर समीक्षा की और सारांश बताया हमें अब भगवान प्रभु तो प्रकट हो गए अब तो रामायण शुरू होगी अब राम का आयन तो अब शुरू होगा अब तक तो इधर उधर की बातें सुन रहे थे विच वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट लेकिन आप आज ओम भाई यहाँ दिखाई नहीं दिए हाँ मैं आपके चरणों के नीचे हूँ मधु जी आप नीचे देखेंगे अदृश्य मैं अदृश्य हूँ दिखाई पड़ रहे हैं उसमें है मैं आकाशवाणी कर रहा हूँ इस समय तो आपको आज वो प्रकट होना नहीं चाहते नहीं भाई आज भगवान प्रकट हो गए तो सारे जो दुष्ट है वो छुप गए सूर्योदय होता है तो आपको तो पता ही है तारे कारण सब लुप्त हो जाते हैं तो अब कल इसलिए धर्मेंद्र जी को बधाई और मेरा भाई है उसको धन्यवाद तो मैं क्या कहूँ हमारे यहाँ संस्कृति में अपने भाइयों को और बहनों को धन्यवाद देने की प्रणाली नहीं है अब कहने आप हम वेस्टर्न कल्चर से सीखते आ रहे हैं भाई को भी धन्यवाद कहते हैं बहन को भी कहते हैं पत्नी को कहते हैं पति को कहते हैं बेटे को भी कहते हैं बेटियों को कहते हैं पर दैट इज नॉट अवर कल्चर पर ठीक है बहुत बहुत बधाई और मेरा आशीर्वाद धर्मेंद्र आपको मधु दीदी बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद बधाई और मलिक जी ने पिछले चार दिन बड़े गंभीरता संचालन संभाला हम आप सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमको ये मौका मिला है एंड यू मेड श्योर कि सब लोग आए हैं यहाँ पर समय पर और समय पर पाठ हो और समय पर समीक्षा हो सो थैंक यू वेरी मच मलिक साहब एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग योर असाइनमेंट अब कल से मलिक जी के जरिए हमारे आदरणीय सतीश भाई साहब इसकी बागडोर संभालेंगे सतीश अग्रवाल जी मुंबई में और अगले चार दिन का संचालन और कल तो युवा है दो हैं जो पाठ करेंगे कामाक्षी और दूसरी मानवी सो कल युवा शक्ति अपना रामायण का पाठ भी करेंगी और उसका समीक्षा भी करेंगी तो कल आप धारिये और बच्चों को प्रोत्साहित करिए दैट्स मोर इम्पोर्टेंट दैट वी इनकरेज चिल्ड्रन द न्यू जनरेशन पाठ चल रहा है तो मेरे वो बनिया वाली प्रवृत्ति हमेशा मन में रहती है कि इससे और क्या फायदा उठाया जाए क्योंकि तो नो एक एक हम तो इन्वेस्ट करते हैं चार जगह फायदा ढूंढते हैं तो मैं ये सोच रहा था अभी मन में कि जैसे आपने मधु जी समीक्षा की तो स्वाभाविक रूप से 40 दोहों को खूब ध्यान से पढ़ा होगा एक एक लाइन पढ़ी होगी आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा हुआ है धर्मेंद्र जी आपने भी पढ़ा हुआ तो क्यों ना हम जब पाठ जो भी खास करके जो समीक्षा कर रहे हैं और पाठ कर रहे हैं और जो संचालन कर रहे हैं
जो भी 40 दोहे हैं या 35 हैं 50 हैं उस दिन, तो उसमें ये ढूंढे कि उसमें कौन सी कहाँ कहाँ सूक्तियाँ आई हैं और कहाँ कहाँ उपमाएँ आई हैं, राइट। सो कैसे उपमा है, उपमा के व्यक्ति की भी हैं और कई बार घटनाओं की भी, कि उसने ऐसा काम किया वो ऐसे हुआ, और अब मैं यहाँ पे उसके बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाह रहा। और सूक्तियाँ आई हैं, जैसे अभी एक सूक्ति मधु जी ने बताई थी कि जैसी भवी तभीता होती है वहाँ उसको ले जाती है, राइट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हमने मानस में सुक्तियों पर कई बार चर्चा की थी, तो वही भी हमारे दिमाग में क्लियर नहीं था सुक्ति क्या है। सो गोइंग फॉरवर्ड एंड गोइंग बैकवर्ड दोनों, गोइंग फॉरवर्ड आई विल रिक्वेस्ट पर्टिकुलरली ऑल द रीडर्स एज वेल एज जो समीक्षक हैं, कि जो भी अब कल है 192 से 227 35 दोहे पर, दोहे पर मत जाइए, दोहा इज अ वेरी वेरी रॉन्ग यूनिट, ये क्रमांक है, दोहा क्रमांक 192 से 227 तक 35 दोहों क्रमांक के बीच में जो मटेरियल है उस पर कल पाठ होगा और समीक्षा होगी। तो उनके पाठों से समीक्षक से खास करके मेरी विनती है और जो उसके संचालक हैं उनसे विनती है कि इनमें आप ये ढूंढें कि कहाँ कहाँ सूक्तियाँ हैं, कहाँ कहाँ उपमा हैं, एंड टेक अ नोट ऑफ इट एंड वी पुट टुगेदर। और जब जब सारा संकलन हो जाएगा पूरी रामायण का, वी कैन पुट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ए बुक। तो एक सूक्तियों की पुस्तक हो जाएगी, एक उपमाओं की पुस्तक हो जाएगी। आप काम तो कर ही रहे हैं तो चलो थोड़ा सा ब्याज भी मिल जाए, ऐसे बैंक में जमा कराओ पैसा जहाँ से ज्यादा ब्याज आता हो, राइट। कैसा लगा आपको मेरा ये प्रस्ताव? अच्छी बात, बहुत अच्छी सही है जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल अच्छा था। मास्टर मास्टर माइंड बिल्कुल सही है, तीन लगे ने फिट करी रंग चौका, काम तो कर ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ और ध्यान से पढ़ेंगे फिर, है ना। तो दिस इज माय सजेशन। So going backward, Malik ji, you may want to talk to aapke jo sanchal, jo samikshak the, paathak the, communicate with them this message aaj abhi is samay ho na ho, aur baaki sabhi sanchalon ko se main nivedan karunga ki aap ye zara message communicate kare, and aur main baat kar lunga unse, ke is chaupai mein samiksha hai ya ye chaupai ya ye doha ya ye chhand ki ye pankti mein koi upma hai ya sukti hai, so we can put all that together and we can have a compilation, right? क्या लग रहा है? ठीक है, और बाकी लोग भी इसमें participate कर सकते हैं, यानी कि इन्हीं लोगों के लिए सभी बड़े प्रेम से मन के भाव से सभी पाठ कर रहे हैं और समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा सुन रहे हैं इतने रात के करीब 10:30 बज गए भारत में, और अभी करीब 50 लोगों की अटेंडेंस है, that's a very excellent interest in this subject. So this is the today's takeaway from me or request आप सबसे, और फिर से धन्यवाद आप सबको, आप सब आ रहे हैं, पधार रहे हैं और स्नान ले रहे हैं। जय श्री राम। मलिक जी प्रणाम। जय श्री राम। अब समाप्त करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्। ॐ अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, विद्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय सियाराम।